अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने का एक बहुत ही प्यारा वजीफा। बहुत से लोग होते हैं जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है, कोई भी काम अगर करते हैं तो उस काम को याद नहीं रख पाते हैं, कोई अगर उनको कोई बात भी बोलता है तो उस बात को भी अपने दिमाग में नहीं ठहरा पाते हैं। तो दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये बहुत ही प्यारा वजीफा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वजीफे को हर इंसान कर सकता है, बहुत ही आसान है, इससे आसान वजीफा आपको कहीं मिल नहीं सकता। दिमाग की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत से लोग होते हैं डॉक्टरों के पास जाकर बहुत सारी दवाइयाँ लेते हैं और वो अपने दिमाग का इलाज कराते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो आपको बता रहे हैं ये बिल्कुल फ्री है। आप इसको एक बार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें, इंशाल्लाह इस वजीफे से आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो कुछ भी याद नहीं कर पा रहे हैं तो उनके दिमाग को तेज़ करने के लिए आप इस अमल को ज़रूर करें। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि अगर आपने वजीफा बाबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। कोई भी अगर भाई बहन इस चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वजीफा शुरू करते हैं। दिमाग की उलझन और दिमाग की परेशानी को ख़त्म करने के लिए नमक की मात्रा कम करके चौथाई कर देनी चाहिए। इलाज के लिए किसी भी मोम कागज़ के एक टुकड़े पर जाफरान गुलाब के अर्क से लिखकर एक पाउंड शहद में डाल दें। ये शहद एक एक चम्मच 3 दिन रोजाना आपको खाना है, जब तक आप पूरी तरीके से आपकी सेहत ठीक ना हो जाए इस इलाज को न छोड़ें। देखिए आपको करना क्या होगा, एक कागज़ लेना है और उस कागज़ पर आपको लिखना है जो हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको यही बिल्कुल सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको एक सादा पेपर पर लिख लेना है, अरजात अमा नवीद। इसके नीचे आपको 080 ज़रूर लिखना है, जैसा कि हमने आपको स्क्रीन पर लिखकर दिखाया बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको एक सादा पेपर लेना है, उस पर आपको जाफरान से या गुलाब के अर्क से लिखना होगा, बिल्कुल सेम आपको इसी तरीके से लिखना है। ये आपको लिखकर एक पाउंड शहद में डाल दें। ये शहद एक एक चम्मच 3 दिन तक आपको रोज़ाना खाना है, जब तक आपकी सेहत पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए तो आप इस इलाज को ना छोड़ें। ये सबसे अच्छा इलाज है और ये सबसे बेहतर इलाज है। आपको ना तो पैसे खर्च करने हैं ना ही आपको कुछ करना है, सिर्फ एक सादे पेपर पर जो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से आपको लिखना है, फिर आपको शहद लेना है, शहद के डिब्बे में ले जाकर डाल देना है। ये शहद एक एक चम्मच आपको 3 दिन तक रोज़ाना खाना है, जब तक पूरी तरीके से आप ठीक ना हो जाओ, आपका दिमाग सही ना हो जाए, जब तक आप इस इलाज को ना छोड़ें। जब आपका दिमाग ठीक हो जाए तो आप इस इलाज को छोड़ सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है, तो आप इस वजीफे को ज़रूर करें। अपने भाई बहन रिश्तेदारों को भी इस वजीफे के बारे में ज़रूर बताएँ ताकि उन लोगों का भी दिमाग तेज़ हो सके। तो ये फ्री का इलाज है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और दूसरे भाई बहनों को भी इस वजीफे से फ़ायदा हासिल हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए रोज़ की 2 वीडियो लेकर आते हैं, एक सुबह 10 बजे और एक शाम 6:30 बजे। हमारी दोनों वीडियो देखने के लिए आप वजीफा बाबर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।